डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है निशांत जी ने। निशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं निशांत जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। हम यहां 5 साल पहले ही मूव हुए थे। मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों गांव से दिल्ली में आए हुए थे। मेरी पढ़ाई अच्छी हो इसीलिए हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और दादा और दादी जी अभी गांव में ही रहते थे। मुझे यहाँ आने के बाद दादा और दादी जी की बहुत याद आया करती थी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ही मेरे दादाजी थे, इसीलिए यहाँ मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था। लगभग 4 साल हो गए थे, अब भी मुझे अपने दादाजी की याद आती ही रहती, इसी कारण मैं ज़्यादातर गाँव गया हुआ ही रहता। अब दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी और दादाजी हमेशा बेड पर ही लेटे रहते। दादी जी हमेशा मेरे दादाजी की सेहत का ख्याल रखते, लेकिन मुझे अपने दादाजी की ज़्यादा याद आने लगी थी। दादाजी भी अब अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे और उनका जैसे दिमाग सा हिलने लगा था। उनकी उम्र भी 75 साल के करीब हो चुकी थी, यही कारण था कि उनका इलाज भी धीरे धीरे ही हो पा रहा था। उनको कौन सी बीमारी हो गई थी इसके बारे में मुझे बताया नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे फिक्र हमेशा से ही रहा करती थी। मेरे 10वीं के पेपर थे और मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही थी। इससे पहले हमेशा बड़े एग्जाम्स में मेरे दादाजी मेरी मदद किया करते और वो कुछ दिनों के लिए शहर आ जाते, लेकिन इस बार दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो हमारे पास आ नहीं पाए थे और मैं अब उनके पास जाना चाहता था। मेरा लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स का था और मुझे उसको पूरा करके गांव जाना था, लेकिन मम्मी पापा पहले ही गांव जा चुके थे। पापा ने जाने से पहले मुझे यही बताया था कि दादाजी की सेहत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, मुझे अपना एग्ज़ाम देकर सीधा ही गांव के लिए निकलना पड़ेगा और मुझे अकेले ही आना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों पहले ही गाँव जा चुके होंगे। मेरे पापा सुबह ही सारा सामान लेकर गांव चले गए थे और मैं दोपहर को जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुए उसके बाद सीधा बस लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। मुझे 4 बज गए गांव पहुंचने में और मैं बस स्टैंड से उतरा और सीधा अपने घर की तरफ चलने लगा। हमारे गांव में यहां खाली रास्ता है जो काफ़ी लंबा है और यहाँ पर आसपास कोई घर नहीं है। दोनों तरफ खेत ही हैं और उसको पार करके ही हमें अपने घर की तरफ जाना पड़ता है। मैं उसी रास्ते से अकेला चला रहा था और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये गर्मियों का समय था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी। तभी मैंने देखा कि एक मोड़ पर एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था। मैंने दूर से ही उसको पहचान लिया, ये मेरे दादाजी थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि दादाजी चलकर यहाँ तक आए हैं। शायद ये सरप्राइज होगा जिसे पापा मुझे बताना चाहते होंगे कि दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने इस बारे में पहले बिल्कुल नहीं सोचा था। दादाजी की सेहत तो ज़्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन आज दादाजी इतनी दूर तक आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन मैं दादाजी के पास जैसे ही जाने लगा, वहाँ से दादाजी ने आवाज़ लगाई, रुको, वहीं पर खड़े रहो, कुछ बातें कर लो। लेकिन मैंने दादाजी से पूछा, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे हमेशा ही आदत है, मैं जब भी दादाजी से मिलता हूँ तो उनके पांव छूता हूँ और उनके सीधा ही गले लग जाता हूँ, लेकिन आज दादाजी मुझे दूर से ही रोक रहे थे। यहाँ आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। कहीं दादाजी की सेहत ज़्यादा खराब ना हो जाए तो मैं यहाँ से भाग कर कितनी दूर जाऊँगा, आखिर किसी को कैसे बुला कर लाऊँगा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था, आखिर दादाजी को अकेले यहाँ तक आने किसने दिया। मैं इस बारे में दादाजी से पूछ रहा था, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो अपनी बातें बता रहे थे।
वो मुझे कहने लगे कि तुम अच्छे लड़के हो, पढ़ाई में ध्यान दिया करो, अब से ज़्यादा गांव में मत आना, दादी जी भी शहरी आने वाली हैं, अब तुम्हें गांव आने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हो गया था। दादाजी ने ये बात कह दी थी कि दादी अब शहर जाने वाली हैं, इसका मतलब कि दादाजी भी उनके साथ ही शहर जाएंगे। लेकिन दादाजी ने इस बारे में सीधा नहीं कहा था, तो मैंने फिर से दादाजी से एक सवाल पूछा, दादाजी आप नहीं आ रहे? आप भी तो दादी के साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही आएंगे। लेकिन इसका जवाब दादाजी ने नहीं दिया और उन्होंने कहा, सीधा घर जाओ, कहीं पर रुकना मत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दादाजी ने इतना कहा और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं भी उनके गले लगना चाहता था, लेकिन मैंने फिर से जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, दादाजी ने फिर से मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ घर, तुम्हें समझ नहीं आती। अब दादाजी गुस्से में आ गए थे, तो मैंने सोचा कि घर को ही चलता हूँ, शाम के वक्त मिल लूँगा। इसके बाद मैं सीधा ही घर की तरफ चलने लगा। अब हमारा घर नज़दीक ही था, लेकिन मैंने देखा हमारे घर के आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैं ये जानना चाहता था आखिर इतने लोग हमारे घर के आगे क्यों खड़े हैं। पहले तो मैंने सोचा कि दादाजी की सेहत इतनी जल्दी ठीक हो गई, शायद सब खोज खबर लेने के लिए आए होंगे। लेकिन मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो मुझे पता लगा वहां रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपने पापा की आवाज़ सुनी रोने की। पापा की ये आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया था, लेकिन तभी पास खड़े एक अंकल ने बताया कि तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। मैं उनसे जानना चाहता था आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। दादाजी तो उस मोड़ पर बैठे हैं, आखिर वो किन की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा कि दादाजी की लाश को वहां पर लेटाया गया था। सच में मैं उनका चेहरा देख पा रहा था। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया और मैं भागकर एक कमरे में चला गया। मैं एकदम से सन्न था। मैं कमरे में बैठा रो नहीं रहा था बल्कि डरा हुआ था। मैं ये सोचकर डर रहा था कि अगर दादाजी की लाश यहां पर है तो उस मोड़ पर मैं किसको मिलकर आया था। मम्मी भागती हुई मेरे पास आई। वो मुझे चुप कराना चाहती थी, लेकिन मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर वो भी हैरान थी। उसके बाद मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। थोड़ी देर बाद पापा भी कमरे में आ गए और मैंने पापा को भी सब बता दिया। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन तब बूढ़े बुजुर्गों ने उनको बताया कि ऐसा होता है। कभी कभी जिनका प्यार सबसे ज्यादा होता है वो आखिरी समय में उनको नजर आते हैं। आज भी मेरी बातों पर कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता, लेकिन सच में मैं दादाजी को आखिरी बार मिल पाया था, भले ही उनके मरने के बाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक्स देंगे तो हम ऐसे ही और भी ज़्यादा बढ़कर और बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।